हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहां पे आपको नोटिस करना है कि हमें कौन सा इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको सिखाया था एडिटिव इनवर्स। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में हमें एक चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरी चीज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब क्या होता है, इसको हमें उलट पुलट कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। देखिए 13 - 13 अकेला है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो जब भी अपॉन में कुछ भी नहीं होता है मतलब समझ लेना है आपको अपॉन में हमेशा क्या है, 1। ये मैथमेटिक्स का रूल है, कोई सा भी नंबर है उसमें अपॉन में अगर आपको नहीं दे रखा है मतलब अपॉन में क्या है, 1 है। सो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है -13/1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि आपको उल्टा पुलटा कर देना है, ये 1 नीचे का ऊपर ले जाना और ऊपर वाला नीचे ले जाना है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो साइन है वो वहीं के वहीं रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। जैसे -13 के साथ में है तो आप नीचे -13 मत लिख देना, माइनस ऊपर रहेगा, माइनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या बनेगा, माइनस आपका ऊपर ही रहेगा, बस सिर्फ डिजिट को रेसिप्रोकल उल्टा पुलटा कर देना है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आएगा। सो -1/13 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका सेम टू सेम है, -13/19। इसमें भी आपको कोई चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट आपको चेंज करना है। तो देखिए माइनस आपका माइनस अपनी जगह पर रहेगा, साइन आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर माइनस अपॉन में आ जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज कर देता हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ मेरी तरफ से, ताकि आपको एक नया क्वेश्चन सीखने को मिल जाएगा। सो ये 19 आपको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और 13 आप नीचे ले जाएंगे। सो 19/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कुछ नया है, मैंने आपको मेरी तरफ से अपॉन में माइनस लगा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन मैंने आपको चीज़ बताई कि जो साइन अगर वहीं का वहीं है तो वहीं का वहीं रहने देना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को तो सुधार लो। क्वेश्चन को क्यों सुधार लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप मैथ्स के रूल सोल्व करो तो डिनोमिनेटर में कभी माइनस का साइन नहीं रहता है, साइन हमेशा कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में। तो पहले क्वेश्चन चेंज कर लो, क्वेश्चन में क्या है कि नीचे न्यूमरेटर में माइनस हटा के ऊपर डिनोमिनेटर से हटा के माइनस न्यूमरेटर में लिख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब -1/5 का आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लीजिए, मतलब -5/1, मतलब -5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला टॉपिक कंप्लीट।